हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आपका वेलकम हो चुका है नाज़िन शाह के ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहले से बेटर हूँ और बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ बाहर, देखते हैं कहाँ जाएगी, अभी कुछ पता नहीं है। इसके डैडी का लेके जा रहे हैं, बहुत दिन से मैं गई नहीं थी तो मेरी अभी भी तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बट इसके डैडी बोले कि चलो एक राउंड मार कर आते, तो अभी देखते हैं कि कहाँ जाते। पता नहीं है मुझे कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं होती, बस निकल जाते हैं, उसके बाद जहाँ अच्छा लगा वहाँ चले जाते। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि ये मेरा बैग है ये मैं ले लूँगी। इसके डैडी ने अपना पर्स भी छोड़ के गए हैं, रिक्शा के पास खड़े हैं वो। तो अब मैं जाती हूँ, अपना सब पहले इसमें सामान जो है वो डाल देती हूँ। सामान कुछ नहीं है, खाना थोड़ा बाहर ही खा लेंगे, है कि नहीं? तो गाइस चलो अभी मैं चलती हूँ, मेरा हो गया है सब कुछ। मैंने रूम वगैरह घर वगैरह मैं सब कुछ क्लीन करी। वो वाले रूम में राहित बैठा है, नाश्ता कर रहा है और मैं जा रही हूँ। इसके डैडी का रिक्शा का शर्ट यहाँ पे है, ये लेती हूँ और साथ में जाती हूँ, क्योंकि शर्ट पहनना तो यूनिफॉर्म है उनका, नहीं पहने तो फिर फाइन मारते, इसलिए पहन के ही जाना पड़ता है बेचारे को। हमेशा पहले जाते थे तो घर के कपड़े में चले जाते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट एक एक रूल निकालती है तो उनको फॉलो करना पड़ता है। अभी ऐसा है कि रिक्शा के कपड़े में ही जाना पड़ता है। तो चलिए फिर जाते हैं, फिर मिलते हैं, कहाँ जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहना तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, है क्या? तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं ट्रैफिक में, और हम लोग ने हमारे लिए चबन चारा लिए है खाने के लिए। क्या है राफिद, ये राफिद को बहुत पसंद है, बाहर मत फेंक राफिद। अभी क्या बोलते हैं इसको राफिद? उबली भी सेंग। राफिद को ये बहुत पसंद है गाइस। राफिद ने भी लेने लगा है तो मैंने बोली मेरे लिए भी ले लो। तभी हम लोग बाबा, रे बाबा बहुत ट्रैफिक है, देखो इसमें से आपको दिखाते। तो गाइस अभी हमारी मनपसंद चीज़ दिखी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो नीरा। तो राफिद बहुत टाइम से जिद कर रहा था नीरा पीने का, आखिर में वो मिल ही गया। अभी पहले उसके डैडी चेक करके देखेंगे अच्छा है क्या नहीं, फिर हम लोगों को देते। अच्छा है नहीं तो वो पी ले, मैं दूसरा पीऊँगी ना। ना शाड़ा है ना ये लड़का गाइस, जो उसके डैडी ने पी ना वो थोड़ा कम किए तो मेरे लिए लेकर आया है, इतना शाड़ा है ये लड़का। देखो अभी लोग यहाँ पे ले रहे, बाकी में बहुत अच्छा है नीरा, टेस्टी है। और एक पिया जाएगा दिलाए तो दिलाते हैं, ऐसे नहीं तो नहीं नहीं बोल सकते। हाँ उसको अपने बाप पे भरोसा नहीं है, इसको लग रहा है डैडी पी लेंगे। अच्छा है, और एक लेके रहेगी ना। पीना जितना मन चाहे उतना पी, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कैमरा चालू इसलिए हो रहे अच्छा व्यू, अच्छा अच्छा सीन। ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए ए ए मेरे को ट्रक की रेसिंग हो रही है। ये देखो गाइस कैसे आ रहा है ये भाग भाग के खाने के लिए। ये ले ए फेक मत, ऐसा नहीं फेक, सामने डाल ताकि उसको दिखे वो खा सके। देखो गाइस ये आपने तो लेना, ओहो सब लेके जाएगा जमा करके। कैसा लिया? नहीं पता। देखो ये अपने हाथ से उसको खिला रहे, सब ले लिया उसने। बाय बाय, अरे माँ बाय बाय के तो आंग पे है क्यों रे, बाय बाय हजम नहीं है। देखो नहीं, और देखी और चाहिए उसको, अभी इतना दिए तो बस ने वाह टाटा हुई माँ। गाइस बंदर को बिस्किट देने के बाद में ख़त्म हो गया तो बाय बाय करो तो बंदर दोनों कान ऐसे करता है और खड़े होता है। बंदर बोल रहा है मुझे बाय बाय मत करो, खाली मुझे खिलाते रहो। ये नदी का पानी सूत्र ऐसा लग रहा है, एक ही आदमी जब बोटिंग कर रहा है, अच्छी भी होगी, इतना अच्छा लग रहा है ना, गाँव जैसा फील आ रहा है। ये ब्रिज पे आके, क्योंकि गांव का रास्ता यही है ना, जाना गांव का रास्ता। हाँ हम लोग के गांव जाने का रास्ता भी यही है, कितना अच्छा लग रहा है, गांव जैसा फील आ रहा है। छोटे छोटे से खेत, नदी,
ये ब्रिज जूना ब्रिज गांव का। गाइस देख सकते हो गांव वाले कैसे अभी धान निकाल रहे हैं। अभी धान का टाइम हो गया, ये आप देख सकते हो सब धान निकाल निकाल के रखे हैं। देखो आंटी भी कुछ तो पछोड़ रहे। कुछ नवी जगह में आज हम लोग आए गाइस, यहाँ पर कोई एक नवी जगह है जहाँ पर हम आए हैं, पता नहीं क्या है। अच्छी है बट जगह जो भी है, यहाँ पे सब आप देख सकते हो नदी है, मस्त बहुत अच्छा लग रहा होगा। गाँव वाले लोगों को तो इंजॉय अच्छा है। ये सब धार निकाल के रखे है, देखो यहाँ पर भी चालू है। इतना अच्छा ठंडा लग रहा है ना, जैसे मुंबई से हटे ना, धूप है लेकिन फिर भी ना ठंडा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है एकदम। ठंडा ठंडी 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 हवा आ रही है गाइस, मस्त लग रहा है। ऐसा ना यहाँ पे ठंडी शुरू हो गई और हमारे बम खाने में ठंडी नहीं आई, ऐसा लग रहा है। इधर एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इधर ऐसा। तो गाइस हम लोग रिक्शा में बैठ के ही फ्राइड राइस खा रहे हैं, चिकन फ्राइड राइस लिए हैं। होटल में अच्छा नहीं लग रहा था मुझे जाने, क्योंकि वहाँ पे सब अंदर बैठे हुए हैं। राफी माँ खा रहा है, हम लोग यहाँ खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और फिर चले जाएंगे घर पे। गाइस अभी हम लोग कुछ नवी जगह अंदर मतलब घुसे ये रास्ते में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो सनसेट का भी टाइम है बट अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो लेने में। ये देखिए क्या लग रहा है यहाँ पर सब पहाड़, देखो वाह अच्छा लग रहा है बहुत। कुछ अलग जगह आ गए हम लोग घूमते फिरते, बोले देखे कि ये रास्ता भी कहाँ जाता है, ऐसे देखते देखते निकल जाएंगे। अच्छा लग रहा है, ये देखो अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अलग अलग जगह पे लेकर आते हैं और मेरा माइंड फ्रेश करते हैं, अच्छा लग रहा है। आपको मैं बैक कैमरा करके ना वो साइड का दिखाती हूँ, जो पहाड़ी इलाका है ना, बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस। ये गाइस क्या लग रहा है, अभी हम लोग फंस गए हैं ट्रैफिक में, बहुत सारी ट्रैफिक है और इस आदमी ने अभी तक मुझे चाय नहीं पिलाया है, क्योंकि मुझे चाय चाहिए। कितना टाइम हो गया पता है, मैं 4:30-5 बजे घर पे चाय पी लेती हूँ और आज कितना बज रहा हो और अभी तक मैंने चाय नहीं, सोचो कैसा कर रही है मेरे साथ, मुझे चाय नहीं दे रहे। और यहाँ पर ये सो गए 7:45 हो गएगा इस समझे, अभी तक तो मेरी 3 बार घर पे होती तो अभी तक मेरी 3 से 4 बार चाय हो जाती थी और इन्होंने मुझे अभी तक चाय नहीं पिलाए। तबीयत ख़राब है तो क्या, अभी तुम चाय नहीं पिलाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो गाइज़ अभी हम लोग आ गए घर पर, जस्ट अभी पहुँची हूँ। आते साथ मैंने पहले अपना मुँह वगैरह धोई, आते आते हम लोग ये देखो ये क्या लेकर आया पता है, ये सुरसुरी लाया है और भी है, सुरसुरी का पूरा डब्बा लाया है इसने। ये देखो अरे वो कहाँ गया, चक्री कहाँ गई, चक्री टीवी के रखी। ये देखो गाइस दिवाली आ गई राफिक की, सुरसुरी का डब्बा लाया है और गाइस बस अभी हम लोग पहुँचे हैं। 5 मिनट हुआ है हार्डली बस, फिर मैं वॉशरूम गई, मैं भी धोई और बैठी सोची आप लोग को बता देती हूँ कि बस अभी हम लोग आ गए हैं घर पर। अभी घर पे आए हैं, अभी मुझे थोड़ा सा बनाना है, चिकन की ग्रेवी बना देती हूँ खाने के लिए। हो नहीं रहा है, कंटाल आ रहा है, लेकिन खाना तो है ना, खाना भी एक टाइम बाहर से खाए तो एक टाइम घर में खाएंगे, दोनों टाइम बाहर से क्या वो चाइनीज़ खा खा के भी कंटाल आता है गाइस। तो सोच रही हूँ कि कुछ बना ही लेती हूँ है ना, थोड़ा 5 मिनट रुकती हूँ और फिर बनाती हूँ 5 मिनट के बाद। तो गाइज अभी मैं घर पे आने के बाद मैंने क्या बनाई मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बनाई थी पोठा, बनाई हूँ पोठा चिकन मिक्स बनाई हूँ और साथ ही में मैंने ना रोटी भी बनाई हूँ। इतना थक के आने के बाद भी गाइस बनाना पड़ता है घर में खाना। ये देखो ये मैंने बनाई फिर रोटी और साथ ही में ना मैंने और एक चीज़ करी हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लॉलीपॉप, आधा मैंने अपने बच्चों को दी, वो लोग खाते बैठे हैं। और ये क्या यार, खुल ढक्कन इतना बहुत गरम गरम है ना, ये देखो ये है लॉलीपॉप फ्राई की हूँ मैंने आने के। गाइस एक वक्त का बाहर खाना खा लिए तो अभी वापस से खा सकते थे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खाने, क्योंकि मैं अभी ना जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना गाइस मैं खा रही हूँ थोड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छा अच्छा खाने का। तो मैंने इनको बोली कि मैं भी घर में ही बनाऊंगी, बाहर का मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चिकन से भी कंटाला आ रहा है, मुझे मटन से भी कंटाला आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे अभी।
मुझे खाना खाने ही कंटाला रहा है, उससे खाना नहीं खाया जा रहा है गाइस। तो कोई नहीं, अभी बनाए देखेंगे। रोटी भी बनाई हूँ, बहुत दिन बाद रोटी बनी है। रोटी और जो पेठा क्या बोलते हैं, वो जो होता है ना पेठा, कलेजी, पोटा, क्या बोलते हैं पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, कलेजी तो नहीं है उसमें, पेठा है और चिकन मिक्स है, तो वो मैंने बनाई हूँ। उसकी ग्रेवी सुक्का मतलब बनाई हूँ और साथ में रोटी और लॉलीपॉप फ्राई। तो इंजॉय करेंगे, अच्छे से मज़े में खाना खाएंगे घर का, सुकून से ऑफिस सो जाएंगे। तो गाइस अभी मैंने वीडियो, आज मैं थोड़ा सा चले गई थी बाहर, इसमें हम मुझे मतलब नहीं जाना था, मुझे आज दिल ही नहीं हो रहा था, पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है मुझे, मुझे कुछ भी चीज़ में ना दिल ही नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं खाली सोकर रहूँ, मुझे ऐसा हो गया है, खाली मैं सोते रहूँ, बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ना मुझसे कोई ज़्यादा बात करे, मैं सिर्फ सोऊँ, मुझे ऐसे ही लगता है। मुझे बात करने भी बोर हो रहा है, ऐसा हो गया। मैं इतनी बड़बड़ करने वाली लड़की, लेकिन क्या है, ब्लॉग में बनाती हूँ, ब्लॉग में बात करती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है तो मुझे बात करना है ना। तो कोई नहीं गाइस, आज बस ऐसे छोटा सा एक राउंड मार कर आ गए, अच्छा लगा। कुछ अलग जगह भी लेकर गए थे, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है बट वहाँ पे इतनी ठंडी लग रही थी और इतना ठंडा क्लाइमेट था। दोपहर का मतलब 5 बज रहे हो गए, 5 या 5:30 का कुछ टाइम था जब हम वो नवी जगह पे गए थे गाइस। तो उधर इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं डर रही थी क्योंकि हमारे आजू बाजू में बस एक ही बाइक थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि कभी ये लोग हम लोग को रुका के लूट मार ना कर ले। लेकिन आगे जाते वक्त ना, फिर आगे ना, फिर घर वीर बाज़ार मार्केट ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी, तो फिर तसल्ली हो गई। लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था, सिर्फ इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, बीच में से हम लोग जा रहे, एकदम जंगल जैसा था। लेकिन बहुत अच्छा लगा गाइस, सीन बहुत अच्छा था, मज़ा आया, अच्छा लगा। तो चलिए फिर इसी बात पे इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा मुझे अच्छे से, और गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट, और बेल आइकन बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप तक के नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इसी ब्लॉग को मैं अभी इधर ही एंड करती हूँ, इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। तो चलिए फिर बाय बाय।